भारतीय भारतीय संस्कृति में लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये सबका बहुत महत्व है। और जितने भी गाने, डांस जो है वो ये लोक नृत्य से प्रेरित होते हैं। जब हम लोग आज लोक नृत्य की बात कर रहे हैं तो ये हमारी संस्कृति और परंपरा है कि हर एक पूरा भारत दर्शन करना हो तो आप एक जगह, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम नहीं सकते, लेकिन वैशाली सागर की जैसे इंस्टीट्यूशन है तो उसमें आपको 3 या 4 साल में या 7 साल का कोर्स है, उसमें आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पूरा भारत दर्शन हो जाता है। यानी आपको आसाम जाने की ज़रूरत नहीं है, कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं है, गरबा, राजस्थान, जितने डांस हैं, जितने लोक नृत्य हैं आपको यहाँ सीखने मिलते हैं। और हमारा यही एक मकसद है कि जितने बच्चे आजकल पश्चिमात्य नृत्य की तरफ जा रहे हैं वो लोग वो भी सीखने का कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमारे लोक नृत्य इतने सुंदर है, उसकी इतनी स्किल है, ट्रेनिंग है, वो ज़रूर सीखे। वो लोग जहाँ पे भी रहते हो, वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे सीखे। लेकिन भारतीय परंपरा है लोक नृत्य की, उसको एक आगे अपना प्रिजर्व करके आगे बढ़े। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि नृत्यम संस्कृति संवर्धनम, अर्थात नृत्य द्वारा संस्कृति की रक्षा, जो हमारे भारत के बच्चे ये सब अलग अलग कोने से आए वो कर रहे हैं। तो वैशाली सागर की इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे ये लोग ऑनलाइन सीख के आज इतना बढ़िया कार्यक्रम किया। दूसरे लोग अपने अपने घर के पास जहाँ भी उनको सुविधा हो वहाँ सीख सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जरूर सबने सीखना चाहिए। अपनी इंडियन संस्कृति, सभ्यता और फोक की रही बात तो सब भूल जा रही, जो यूथ है तो इनको जिंदा रखने के लिए मतलब कुछ मैसेज जिस तरह से वैशाली में आगे आए सर आप। इसलिए मैंने कहा ना कि हमारे जैसे अभी हम ये लोग को बचपन से मैं जानती हूँ, बचपन से ये लोग नृत्य में इतना रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों को सिर्फ पहले सीखे, सीखने के बाद उनको लगे कि मुझे अभी इसमें आगे बढ़ना है, और ये आगे जाके टीचिंग प्रोफेशन भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना शौक़ के लिए हम लोग सीखते हैं, शौक़ को पालने के बाद अगर वो अपना प्रोफेशन बनता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी सर को बहुत शौक़ था, बचपन से कर रहे थे, आगे जाके उनको लगा कि मैं और कहीं जाऊँ तो इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन मैं सिखाऊंगा तो ये मेरा टॉनिक है, ऐसा करके अभी तक वो सिखा रहे और भी आगे सिखाते रहेंगे। तो ये एक प्रेरणा भी है कि आपका प्रोफेशन भी बन सकता है और आपको आगे जाके उसमें आय का जो इनकम का जो सोर्स है वो भी पूरा हो सकता है आपका, क्योंकि आजकल लोग को आप सिखाओ अच्छा सब लोग तैयार हो जाते हैं। सर आप बताइए, आपका रिजल्ट आज सामने भी आया, कहाँ से इनकी मतलब वोट आया, बचपन से आप गुरु भी रहे हैं, कुछ बताइए। एक्चुअली मैं तो कॉलेज में जब से सीख रहा था तब से मैंने शुरू किया सिखाने, और कब वो टाइम पे कैसा हम लोग के पास भी कोरियोग्राफर्स वगैरह नहीं होते थे, तो हम हमारा बिठा के करते थे यूथ फेस्टिवल। क्या होता है आजकल YouTube और ये सब अवेलेबल है, और काफ़ी कोरियोग्राफर्स क्या करते हैं कि YouTube से वगैरह लेके बिठा देते हैं, लेकिन वैशाली को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है ये पेंडेमिक में, वो हिमाचल गई, राजस्थान गई, वहाँ से वो उसने सीखे वहाँ के, और काफ़ी आई थिंक और भी कई जगह पे विज़िट किया उसने, और वहाँ से सीख, ऐसा नहीं कि YouTube से वगैरह सीख के, एक्चुअल वहाँ पे प्लेसेस में जाके सीख के आई और यहाँ पे बच्चों को सीखा। हमारे पीरियड में हम लोग भी जाते थे, झारखंड गए, सरायकेला गए, साउथ में गए, हिमाचल में गए, वैसे ही वो वहाँ पे जाके सीख के आई और यहाँ पे बच्चों को सिखा, जो ओरिजिनल है वहाँ की ऑथेंटिसिटी है, वहाँ के कॉस्ट्यूम्स बोलिए, स्टेप्स बोलिए, वो खुद सीख के आई और यहाँ पे इवन सिर्फ डांस सीख के फ़ायदा नहीं, उनके कॉस्ट्यूम कैसे पहने जाते वो भी सीखा हुआ है, सिखाती भी है बच्चों को ऑनलाइन में, उससे किस तरह कितना डिसिप्लिन है, ये डेडिकेशन होता है। तो ये डेडिकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। आप खुद जाके प्रैक्टिकल
स्टेट बाई कल्चर देखा सीखा, फिर आके मतलब प्रैक्टिकल मतलब लाइव गुरु से सीखने से कितना मतलब अपने आप में कितना वो रहा हार्डवर्क रहा चैलेंज रहा। ये तो इंस्पिरेशन है जो सर से और मिस से मिलती है, तो अगर इंस्पिरेशन है तो फिर भूख है सीखने की, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, बस आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम तो देना ही है। आज की यूथ जो है ये सब अपनी कल्चर अपनी संस्कृति जो फोक डांस ये सब तो वेस्टर्न भूल जा रही है, वेस्टर्न जब जब से आ गया है तो इसके लिए कुछ बताइए मतलब क्या मैसेज होगा। पर ये जो लड़कियाँ पूरे इंडिया से इंडिया के बाहर से भी जो सीख रही है वही चीज़ बता रही है कि ये चीज़ अभी भी चालू ही है, मतलब ये एक हमारा पहला कदम है कलांजय का, इनका पहला कदम है कि बाहर की लड़कियां जिनको नहीं यहाँ बम्बई में आके सीख सकती है तो भी ये हमारा पहला कदम था कि सब लड़कियों को ऑनलाइन सिखाने के बाद ये एग्ज़ाम हम लोग ने ऑफलाइन रखी थी और बच्चे आ भी गए और सीखे भी, तो ये 6-6 घंटे की रोज़ की ट्रेनिंग थी उनकी अभी यहाँ आने के बाद। तो कहा जाए कि मतलब गांव के मतलब बाहर स्टेट बाई जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो मतलब ऑनलाइन सीख सकते सीख सकते ये पहला कदम है इसका। थोड़ा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, आजकल के बच्चों को क्या है कि यहाँ पे सीखा और वहाँ पे परफॉर्म किया, थोड़ा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, सीखो पहले। हम लोग भी अभी भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सीख चुके हैं, नहीं अभी भी सीख रहे, वो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है अपना कल्चर सीखने। आज आप लोगों ने लाइव देखा परफॉर्मेंस कैसा लगा ये बताइए सर। बहुत इम्प्रूवमेंट है इनके डांसर्स, हम लोग ने ऑनलाइन भी मतलब जज किया हुआ है इनके, तब दो आई थिंक एग्जाम्स जज किए, उसके बाद आज जो लाइव देखा है इनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को, बहुत इम्प्रूव है, बहुत इम्प्रूव बहुत है। मतलब इस तरह कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, आप लोगों से जो लोग मतलब नहीं करते उनको क्या मतलब अपील करना चाहेंगे इस तरह किसके लिए अपील है, यही अपील है थोड़ा इनवर्ड सब लोग आओ, सब लोग इंडिया इज सो ब्यूटीफुल, इतना वेस्ट में मत देखो, सब गलत नहीं गुड नॉट बैड, लेकिन जो चीज अपनी है उसे भी सीखना बहुत जरूरी है। थोड़ा संभाल के नहीं रखेगी यूथ तो ये सारा भूल जाएंगे, सर भूल जाएंगे, इनके बच्चों के बच्चों को पता भी नहीं होगा कि फोक क्या है, एंड दैट इज नॉट नाइस। थैंक यू थैंक यू। Thank you.
महीने बाद ये सब आता है, आप लोग ने दो दिन में मेरा नाम भक्ति है, मैं बेंगलोर से आई हूँ। अभी हमने सिर्फ दो मिनट पहले हमारा फोक डिप्लोमा विशारद की एग्ज़ाम कंप्लीट की है, जिसमें हमने तेरा ताली, चेराव और हमने कलबेलिया किया है। और हम बहुत खुश नसीब समझते हैं, हम सब बहुत खुश नसीब है कि हम वैशाली मैम के पास सीख पाए। और हमने कोविड में सीखना स्टार्ट किया ऑनलाइन, एक साल से हम सीख रहे हैं। और पिछले 15 दिन से हम मैम के साथ डेली 6-7 घंटे हम उनके साथ काम कर रहे हैं। और वो हमारे पीछे इतनी डेडिकेशन से दिन रात एक करती है, हम बहुत बहुत खुश है। और ये हमारा पहला कदम है फोक को वर्ल्ड वाइड आगे ले जाने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। हेलो, आई एम नव्या लिखिता फ्रॉम हैदराबाद। सो आई हैव बीन ट्रेनिंग अंडर मिस सिंस 1.5 ईयर नाउ, एंड नाउ हियर आई एम इन मुंबई टू गिव माय फोक डिप्लोमा विशारद एग्जाम। आई एम सो ग्लैड एंड फॉर्चुनेट टू बी हियर, एंड ट्रेनिंग अंडर मिस इज लाइक a big thing for me itself, but and giving exam and giving our best is so amazing. And we got chance to perform for our show under Kalanchi Academy, and I'm very happy to be here with all of us. And here in Mumbai, everybody are so welcoming, and I don't know how I'm gonna miss them so much. Thank you. I'm Manali Joshi. I come from Delhi. As Bhakti said, we started learning 1 year back, and it has been a beautiful journey. हमने सोचा नहीं था कि ऑनलाइन हम सीख पाएंगे एक डिप्लोमा का पूरा कोर्स, और आज हम इधर हैं, विशारद का एग्ज़ाम जस्ट कम्प्लीट किया है। वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट डेट वी गॉट टू लर्न फ्रॉम मैम। शी वॉज वेरी पेशेंट एंड वेरी काइंड एंड वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट द जर्नी, एंड we love her, we respect her a lot for helping us throughout and also giving us this opportunity. Hello, my name is Twinkle. I am from Surat, Gujarat. एक साल से वैशाली मिस से मैं डांस सीखना चालू किया था। पहले हमेशा इंस्टाग्राम पे उनको डांस करते हुए देखा, एंड नाउ आई एम हर ओन स्टूडेंट। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उनको एक साल से जानती हूँ, ऐसा लगता हमेशा से जानती हूँ। एंड उन्होंने हमेशा हमें नॉट जस्ट एज अ स्टूडेंट बट एज आर एज हर ओन डॉटर हमें ट्रीट किया है, एंड इट्स दिस जर्नी हैज़ बीन सो अमेजिंग। आई हैव मेट सो मेनी पीपल, वी हैव ऑल लिफ्टेड ईच अदर अप थ्रू थिक एंड थिंस। लास्ट 15 डेज से मैं उनको पहली बार मिली हूँ कितनों को, तो बट कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं उन्हें पहली बार मिली। एंड आई डोंट नो कि इसके कल से हमारा लाइफ कैसा होगा। आई मीन इट्स वी हैव जस्ट लाइक फिनिश्ड आवर विशारद एग्जाम, सारे रोना चालू कर दिए, एंड इट इज़ दिस इज़ जस्ट हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ विशाली मिस। सो आई कैन नॉट थैंक हर इनफ एवर एवर। हाई, आई एम माधवी फ्रॉम गुड़गांव दिल्ली, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट दिस कोर्स हैज़ बीन अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ। इट केम एट अ टाइम व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट, and Vaishali ma'am herself was a blessing, and learning from her was a dream that came true even before I dreamt about it. And I just don't want to go back tomorrow. It feels like an end of an era, even though it's just been a year, but I'll miss this a lot, and I'll try to keep coming back. I'm so grateful, I can't even put it into words. I'm just thankful to God, to anyone who's there, who's listening. Thank you so much for bringing me here. Hi, my name is Nidhi Bafna. I'm from Chennai, Tamil Nadu. हम सब वैशाली मैम को इंस्टाग्राम के थ्रू जानते ही थे, बट वी न्यू दैट शी यूज़ टू टेक क्लासेज इन मुंबई, बट द फैक्ट दैट शी स्टार्टेड दिस ऑनलाइन फोक डिप्लोमा गेव ऑल ऑफ अस अ चांस, ऑल ऑफ अस हु आर नॉट इन मुंबई, टू टेक अप फोक, टू लर्न फोक फ्रॉम हर। So all of us are very grateful that we got this opportunity. We would really like to thank ma'am for starting this and for training us, and thank you. Hi, my name is Pooja Budani. I'm from Pune.
मैंने जब से उनका लाइव शो देखा काला घोड़ा फेस्टिवल में, तब से मैंने ड्रीम किया था कि मुझे उनसे जाके सीखना है. एंड जस्ट विद इन टू ईयर्स सी अनाउंस दिस डिप्लोमा कोर्स एंड थैंक गॉड दैट आई कुड अप्लाई फॉर इट. सो थैंक यू सो मच मैम. हाय, आई एम निधि धनानी फ्रॉम पुणे and I have been following Maishali ma'am since a very long time and I always wanted to do a folk diploma course from her. I always wish for that and she did announce her online classes and since 1 year we have been part of those classes. I never thought that she would make it so easy and so smooth to teach us online and we could learn from that and I'm very 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 grateful that I could be the part of this intensive course for Visharad and I feel myself very fortunate to have a guru like her and we all of us really really wish to take folk worldwide. So thank you so much and also a big 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 thank you to Vaishali ma'am for supporting us and to like you know take us as children in her academy and for teaching us and loving us so much. Thank you so much.